हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परितारिका किसके पीछे स्थित होती है दोस्तों? तो कोर्नियो के पीछे स्थित होती है दोस्तों, परितारिका कोर्नियो के पीछे स्थित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है दोस्तों। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है दोस्तों, इस कारण से सूर्य में सफ़ेद दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भेड़ों में किस नस्ल की उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है दोस्तों? तो लोही जो नस्ल की जो भेड़ें हैं दोस्तों उससे उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगोरा नस्ल की बकरियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो जम्मू एवं कश्मीर की जो पहाड़ी इलाका है दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों अगोरा नस्ल की बकरियाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो भेड़ों की जो मारवाड़ी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गुजरात के अंदर पाई जाती है भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरी कल्चर बोलते हैं दोस्तों रेशम कीट पालन को। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊन संसाधन का अंतिम चरण क्या है दोस्तों? तो रीलिंग है दोस्तों, ऊन संसाधन का अंतिम चरण रीलिंग है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ऊनी जंतु है दोस्तों, तो लामा व एम पेका है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ऊनी जंतु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, याक की ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो तिब्बत व लद्दाख से प्राप्त की जाती है दोस्तों याक की ऊन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम की खोज कहाँ से हुई दोस्तों? तो चीन ने की थी दोस्तों रेशम की खोज दोस्तों, जो कि रेशम यूज होता है दोस्तों कपड़े बनाने के लिए यूज होता है दोस्तों, उसकी खोज कहाँ पे हुई थी दोस्तों? चीन के अंदर हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।